ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। आपकी असली पहचान आपकी बातों से नहीं, आपकी काबिलियत से होती है। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जब तक दुनिया को सफल होकर नहीं दिखाओगे, तब तक उम्मीद मत करो कि लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपकी बात सुनेंगे। जिन्हें खुद पर यकीन होता है वो इज्जत सबकी करते हैं, लेकिन चापलूसी किसी की नहीं करते। और जिन्हें खुद पर यकीन नहीं होता वो इज्जत किसी की नहीं करते और चापलूसी सबकी करते हैं। जो बड़ी औकात रखते हैं वो बहस करने में समय व्यर्थ नहीं करते। याद रखना, मंदबुद्धि लोग शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग अपनी एनर्जी लड़ाई या बहस करने में नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में लगाते हैं। तोता ज्यादा बातें करता है, लेकिन उड़ान छोटी भरता है। बाज शांत रहता है, लेकिन ऊंची उड़ान भरता है। ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते, और जिन्हें कुछ करना होता है वो शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। जीवन मिला है तो कुछ बेहतर करके दिखाओ, सोकर टाइम पास मत करो। वक्त एक बार बीत गया तो दोबारा नहीं आएगा। रोते रह जाओगे, लेकिन जीवन दोबारा सुधारा नहीं जाएगा। महान सफलता केवल महान बलिदानों का फल है, यह कभी बिस्तर में सोए सोए नहीं मिलती। आपने कभी नहीं सुना होगा और ना कभी सुनोगे कि बिस्तर में सोए सोए बिना अपनी आदतों को बदले किसी व्यक्ति ने इतिहास रच दिया। उठिए, जीवन की सच्चाई को देखिए, ख्याली दुनिया से बाहर आइए और जो काम आपके लिए जरूरी है उसे करने में लग जाइए। जाते जाते मैं बस आपको इतना बोलना चाहूँगा, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।